Now we will start chapter number 13, epics. तो epic क्या होते हैं बच्चों? An epic is a poetic composition. Epic एक poetic composition होती है centered upon a hero, जो एक hero पर centered होती है, केंद्रित होती है, जिसकी greatness, महानता और प्राप्तियाँ, achievements को इनमें बताया जाता है. Ramayana and Mahabharata are among the greatest epics of India. इंडिया के महान epics में से रामायण और महाभारत भी एक हैं. तो हमें यहाँ पर आंसर ढूँढने हैं और चेक करना है कि हम में से कितने इन ग्रेटेस्ट इंडियन epics के बारे में जानते हैं. ओके तो चलिए यहाँ पर, लेकिन पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाभारत हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन. महाभारत सबसे लंबी कविता कही गई है. कभी भी जब भी कोई कविता लिखी गई है उन सब में महाभारत सबसे लंबी कविता है. At about 1.8 million words in total. इसमें total 1.8 million words हैं. It is about 4 times the length of the Ramayana. जितनी बड़ी रामायण है उससे 4 गुना बड़ी महाभारत है. तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ questions दिए हुए हैं जिनका answer हमें देना है. Lord Krishna's exhortation to Arjuna. लॉर्ड कृष्णा ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, बिफोर द बैटल इज वन ऑफ द सुप्रीम ट्रेजर ऑफ ह्यूमन लिटरेचर. युद्ध से पहले लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को जो महा उपदेश दिया था, ये हमारे मानव लिटरेचर का, मानव साहित्य का एक बहुत बड़ा खजाना है. गॉस्पल ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी. कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कैसे हमें डिवोट होना है ये हमें बताता है. वॉट इज इट नोन एज. सो ये है हमारी भगवत गीता. ओके सो दिस इज भगवत गीता. हु वॉज कर्णास मदर. करण की मदर कौन थी? कुंती. ओके Who was instrumental in poisoning Kaikeyi's mind against Rama being made heir apparent? Who was instrumental in poisoning Kaikeyi's mind against Rama being made heir apparent? तो कौन था जिसने कैकेयी के दिमाग में ये भरा था कि राम को वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजगद्दी दिलवाई जाए? कौन था? उत्तराधिकारी ना बनाया जाए, राम को और भरत को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए और राम जी को वनवास भेज दिया जाए. कौन था जिसने कैकेयी के माइंड में ये डाला था? यस, इट वॉज मंथरा. जो उनकी मेट थी वो थी मंथरा. मंथरा ने डाला था कैकेयी के दिमाग में ये कि राम जी को वनवास दिया जाए. हु टोल्ड रामा अबाउट द अबडक्शन. राम जी को अपहरण के बारे में किसने बताया था? जब सीता जी का अपहरण हुआ था तब राम जी को जटायु ने बताया था अपहरण के बारे में. आगे चलते हैं. Which important object in the Mahabharata were made from the thigh bone of Dadichi? Dadichi ki jaangon ki haddi se ek bahut mahatvapurna shastr banaya gaya tha Mahabharat mein. Uska kya naam hai? Uska naam hai the Vajra. Theek hai? Ye shastr banaya gaya tha. Who disguised himself as a golden deer to charm Sita? Sita ko lubhane ke liye kisne apne aap ko sunahre hiran ke vesh mein chupaya tha ya badla tha? To wo the Marich. Marich, okay? What was the popular name of Devrata in Mahabharat? Mahabharat mein
एक चरित्र थे देवव्रत, वो उनका पॉपुलर नेम, लोकप्रिय नेम क्या था? उनका पॉपुलर नेम था भीष्म। पितामह भीष्म थे ना। ओके, हु वॉज द किंग ऑफ द्वारका ड्यूरिंग महाभारत टाइम? महाभारत के टाइम में द्वारिका के राजा कौन थे? तो वो थे उग्रसेन। ठीक है, आगे चलते हैं। हु बिकेम द किंग ऑफ लंका? लंका के राजा कौन बने आफ्टर रावणा वॉज डिफीटेड एंड किल्ड? जब रावण की हार हुई और वह मारा गया तो कौन बने थे? विभीषण। ओके, तो आगे चलते हैं। हु टॉट भीमा एंड दुर्योधना? भीम और दुर्योधन को किसने मेस का यूज करना सिखाया था, गदा का यूज करना, प्रयोग करना सिखाया था? तो बलराम। बलराम ने सिखाया था भीम और दुर्योधन को गदा का यूज करना। हु डिजाइंड रामास माइटी बो? राम के माइटी बो को, चमत्कारी धनुष को, शक्तिशाली धनुष को किसने डिजाइन किया था? तो वो किया था विश्वकर्मा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट पोयम इन द वर्ल्ड? पूरे संसार में सबसे लंबी कविता किसे माना जाता है? ये हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, महाभारता। महाभारता। तो अब आपको बच्चों इन वेदों के, रामायण और महाभारत से जुड़ी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, यहाँ पर जो दी हुई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसे लर्न भी करना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।